हेलो भाइयों, तो भाइयों क्या आपको भी आ गई है एक लड़की पसंद जिसको आप पटाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आप जाकर उससे बात नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपके अंदर है एक डर कि क्या बात करूं, कैसे बात करूं और किन टॉपिक्स पे बात करूं। तो भाइयों मैं आज लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि वो क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जिनमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और जिनके थ्रू आप लड़कियों से घंटों भर तक बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा खुद का अपनाया तरीका है, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला टॉपिक आता है वो आता है पसंद और नापसंद का। देखो भाइयों, हर एक लड़कियों का या हर एक इंसान का कुछ ना कुछ पसंद होता है, कुछ ना कुछ नापसंद होती है। आपको भी कुछ पसंद होगा, कुछ नापसंद होगा, जाहिर सी बात है उस लड़की को भी कुछ ना कुछ पसंद या नापसंद जरूर होगा। और लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं उनको बताने में। तो अगर आप जाकर लड़की से ये पूछोगे कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है, तो यकीन तौर पे मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा देर तक आप उससे बात कर सकते हो। तो दूसरी जो चीज़ पे आप बात कर सकते हो वो होते हैं ड्रीम्स। देखो हर एक इंसान के कुछ ना कुछ गोल होते हैं। हर एक इंसान चाहता है कि मैं बड़े होकर कुछ अच्छा बनूँ। आप भी चाहते होंगे कि मैं आप बड़े होकर कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर, इंजीनियरिंग तो खैर, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर, कोई डांसर, कोई न्यूज़ एंकर और कोई फलाना फलाना। तो भाई उस लड़की को भी कुछ ना कुछ ज़रूर बनना होगा, तो उसके भी खुद के कुछ ड्रीम्स होंगे। और लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती हैं अपने ड्रीम्स को बनाने में, बताने में, क्योंकि वो दिन रात यही सोचती रहती हैं कि वो ऐसे बनेंगी, ये करेंगी, जब वो फेमस हो जाएंगी तो ऐसा करेंगी, ऐसा करेंगी, उसके लिए वो क्या हार्ड वर्क कर रही है, आगे चल के वो क्या क्या करने वाली है। इन चीज़ों को बताने में लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप जाकर उसके ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे तो भाई बहुत देर तक बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है बचपन की बातें। देखो सबकी कुछ ना कुछ बचपन की बातें होती हैं। किसी ने कुछ शैतानी की होगी, किसी ने कुछ अच्छा काम किया होगा। ज़्यादातर सब कोई नटखट ही होता है, उनकी कुछ ना कुछ नटखटी कहानियाँ जरूर होती हैं। तो उस लड़की की भी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। तो अगर आप जाकर उससे वो पूछेंगे तो बहुत इंटरेस्ट से बताएगी, क्योंकि उसने अपनी मम्मी से बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर एक लड़का टच नहीं करता है। बहुत ही कम लड़के होते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं लड़की में, वही बात करते हैं। तो अगर आप लड़की से इन टॉपिक से बात करोगे तो वो सोचेगी कि हाँ आपने कुछ अलग टॉपिक चुना है, और उसको बहुत ही इंटरेस्ट से बताएगी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है फर्स्ट इंप्रेशन में वो आपको कैसी लगी। देखो हर एक लड़की को ये लगता है, हर एक लड़की ये इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचती है कि वो दूसरों को कैसा लगती है। यानी कि हर एक लड़की मेकअप इसीलिए करती है कि वो दूसरों को पसंद आए, और वो खुद के लिए भी मेकअप करती है। तो अगर वो मेकअप कर रही है, वो चाहती है कि दूसरे लोग उसको पसंद करें, तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहती है। तो अगर आप उसे जाकर बताएंगे कि भाई जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तो तुम मुझे ऐसी लगी, लेकिन अभी ऐसी लग रही हो, फलाना फलाना, तो फर्स्ट लुक्स के बारे में अगर आप उससे बात करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में अगर आप उससे बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा देर तक बात कर सकते हैं। आप उससे बोल सकते हो कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो भाई मुझे तुम्हें बहुत एटीट्यूड नज़र आया था, लेकिन अब मुझे तुम थोड़ी क्यूट लगती हो, थोड़ी स्वीट लगती हो। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लर्ट का भी फ्लेवर आप डाल सकते हो, लेकिन आपको सब बहुत प्यार से करना होगा। तो आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो यही रखनी है कि फर्स्ट इंप्रेशन में वो आपको कैसी लगी थी, कैसी नहीं लगी थी, इस पे आप बात करिए। और तारीफ जरूर करना, अगर आप उससे कुछ नेगेटिव पॉइंट पे ऐड कर रहे हो तो तारीफ जरूर कर देना बाद में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है डेली रूटीन। देखो हर एक बंदा बंदी अपनी लाइफ जी रहा है, तो उसकी भी कोई डेली रूटीन जरूर होगा। और डेली रूटीन यानी घर जाके वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, कब सोती है, कितना पढ़ती है, कितना रोती है, कितना हंसती है, कितना फ़ोन चलाती है, और भी फलाना फलाना चीज़ें। तो लड़कियों का बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये बताना कि वो घर जाके क्या करती है। उसको बहुत पसंद होता है अगर उसमें कोई इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि कोई लड़का ही जाकर उससे बात नहीं करेगा कि तुम क्या करती हो घर जाकर। तो अगर आप उससे बात करोगे तो वो जेन्युइनली आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि आप एक अलग सा टॉपिक चूज कर रहे हो, तो सच्चे दिल से बताएगी। तो आप जाकर अगर उससे पूछोगे कि तुम्हारा डेली रूटीन क्या है, तो जरूर बताएगी। और डायरेक्ट जाकर मत पूछना, एग्जांपल के थ्रू जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो अगर वो पढ़ाई में अच्छी है तो तुम पूछ सकते हो यार तुम कितना पढ़ती हो, घर जाकर लगता है तुम दिन रात पढ़ती रहती होगी। तो जरूर बताएगी कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर जाकर ये करती हूँ, वो करती हूँ, 6 से 7 पढ़ती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर 10 से 12 पढ़ती हूँ, जो भी है वो जरूर बताएगी। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है सिक्स्थ पॉइंट, वो है रिलेशनशिप के रिलेटेड टॉपिक्स। देखो हर एक इंसान इंटरेस्टेड होता है टीन एज में रिलेशनशिप के बारे में बात करने में, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि जब वो कंफर्टेबल हो जाए, जब आप पहले के इन टॉपिक्स से बात कर लें तभी इन टॉपिक्स से बात करना, क्योंकि इन टॉपिक्स के बारे में अगर आप पहले ही बात कर लोगे तो भाई फंस जाओगे बहुत बुरी तरह, और उसको लगेगा कि तुम बहुत चीप हो, ये हो, मतलब उससे प्यार करने के चक्कर में पड़े हो, फलाना फलाना। तो रिलेशनशिप के टॉपिक्स के बारे में बात करो, और ये याद रखना उसके रिलेशनशिप के बारे में मत बात करना, ना ही अपने रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप की बात हो तो किसी थर्ड पर्सन की, उसके कोई फ्रेंड या
तुम्हारा कोई फ्रेंड हो उसको देखे कि यार उन दोनों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, या फिर लगता है वो दोनों रिलेशनशिप में है, आपस में बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं, दिन भर साथ साथ रहते हैं, तो ऐसी कोई बात है उनमें, क्या अफेयर चल रहा है फलाना फलाना, तो उससे थोड़ा और करीब आने लगेगी। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। देखो हर एक लड़की के दिमाग में उसका एक ड्रीम बॉय होता है जिसको सोचती रहती है और कुछ ना कुछ क्वालिटीज रोजाना ऐड करती रहती है कि लंबा होगा, गोरा होगा, ऐसा होगा, पैसे वाला होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, अंग्रेजी बोलता होगा, ये वो। तो अगर वो लड़की बहुत ज़्यादा सोच रही है और जाकर आप उससे पूछोगे तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के तौर पर बताएगी, क्योंकि भाई सोचती ही वो यही है और कोई लड़का जाके उससे पूछता नहीं है, क्योंकि वही एक ड्रीम बॉय बनना चाहता है खुद का। तो अगर जाकर आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारा ड्रीम बॉय कैसा है, कैसा लड़का तुम्हें पसंद है, ये वो, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के तौर पे वो आपको बताएगी। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है अगर वो रिलेशनशिप में है तो उसके बारे में पूछो कि उसका बॉयफ्रेंड और उसका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्योंकि अगर उसका रिलेशनशिप में चल रही होगी वो, तो भाई कोई जाकर उससे बात करता ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है एक सीट हो गई रिजर्व और उससे वो जाकर क्या बात करेंगे। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप में है भी, तो भाई जाकर उससे बात करो, उससे पूछो कि वो कैसी रिलेशनशिप में चल रही है, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, कितना ईजी चल रहा है। या अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगर वो उसका कोई एक्स रहा तो उसके एक्स के बारे में पूछो, या फिर तुम अपने एक्स के बारे में बता सकते हो, जो भी है आपको रिलेशनशिप के टॉपिक्स पे बात करनी है। अब बात कर लेते हैं नाइन्थ पॉइंट, जो कि अगला, वो है फैमिली के बारे में पूछो। देखो अगर आप उस लड़की के फैमिली के बारे में पूछोगे तो उसको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो और आप उसको सच में बहुत अच्छी तरह जानना चाहते हो, और तो लड़की इससे थोड़ा और करीब आ जाएगी। और लड़कियां बहुत पसंद करती हैं कि जब उनसे कोई पर्सनल चीज़ें पूछता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये सच में मेरी केयर करता है, और बहुत ही फलाना फलाना सोच जाती हैं। तो आप अगर उसके फैमिली के बारे में पूछोगे तो भैया बहुत ज़्यादा देर तक बात कर सकते हो। आप चाहो तो पूछ सकते हो कि भाई तुम्हारी कितनी बहनें हैं, कितने भाई हो तुम लोग, छोटा है बड़ा है, छोटा वाला शैतानी करता है या नहीं, या तुम बता सकते हो कि भाई मेरा भी एक छोटी बहन है, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, मेरा एक बड़ा भाई है, बहुत ज़्यादा डांटता है, फ़ोन नहीं चलाने देता, ये करता है, वो करता है, शिकायत लगाता है मम्मी पापा से, पढ़ने को बोलता है, जो भी चीज़ें भाई बको। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है दसवां पॉइंट, और जिसमें हम बता रहे हैं कि लड़की में सबसे ज़्यादा डर कब लगा था, लाइफ में लड़की को सबसे ज़्यादा डर कब लगा था, आप ये पूछ सकते हो, क्योंकि लड़कियों को डर बहुत लगता है शायद, मुझे नहीं पता, तो लड़कियों को काफ़ी डर लगता है, काफ़ी लड़कियों को, तो उसको भी कुछ ना कुछ डर लगा ही होगा कभी ना कभी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भूतों से ही, मान लो उसने कोई कांड किया हो या उसके बॉयफ्रेंड ने कोई कांड किया हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सबके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिसमें वो कभी ना कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा डरा होगा, तो उस लड़की के बारे में भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसमें सबसे ज़्यादा डरी होगी। तो आप उससे अगर ये पूछोगे तुम सबसे ज्यादा कब डरी थी लाइफ में, तो बहुत ही इंटरेस्ट के तौर पे बताएगी, और आपका काम तो होएगा ही, क्योंकि आपको तो उसके साथ समय बिताना है और उसको ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाना है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है अभी तक वो कहाँ कहाँ घूमी है या उसको कहाँ कहाँ घूमना है। तो देखो दोस्तों, सबका एक ना एक प्लान होता है, जैसे मेरा प्लान है कि मैं गोवा जाऊँ या फिर मनाली जाऊँ, जो भी है, तो उस सबका प्लान होता है, आपका भी कोई होगा, उस तरीके का भी कोई होगा, तो या तो आप पूछ सकते हो कि तुम अभी तक कहाँ कहाँ घूमी हो या तुम्हें अभी कहाँ कहाँ घूमना है, तो इसके तौर पर ज़रूर बताएं, क्योंकि सबका कोई ना कोई एक इंटरेस्ट ज़रूर होता है घूमने में, तो उसका नहीं भी होगा तब भी एक ना एक जगह पे तो घूमी होगी या फिर घूमना चाहती होगी, तो आप उसको बता सकते हो। अब अगली बात कर लेते हैं, जो 12th है वो है एडवाइस लो। देखो लड़कियों में एक आदत पैदाइशी होती है, उनके पास एक पैदाइशी टैलेंट होता है एडवाइस देने का। भैया एडवाइस सही दें या ना दें, लेकिन वो एडवाइस देती बहुत अच्छा है, मतलब है कि बहुत अच्छी तौर पर बताती हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बेशक घंटा भी ना मिले उससे। लेकिन भैया एक चीज मैं आपको बता दूं कि उस एडवाइस को फॉलो मत करने लगना, सोचना अपनी, काम भी अपना ही करना, लेकिन आपको बस उसके पास थोड़ा टाइम व्यतीत करना है ताकि वो थोड़ा कंफर्ट हो जाए। तो आप उससे जाकर किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे आप एडवाइस ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि भैया आजकल मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए, और जब वो बोलना स्टार्ट करेगी तो आप भी सोचोगे भैया कि ये कोई प्रोफेसर की तरह ही बोल रही है, ऐसा बोलेगी कि आप भी सोचोगे वाह टीचर हो तो ऐसी। तो भाई उससे जाकर एडवाइस लो, और कोशिश करना कि एडवाइस देना मत, क्योंकि लड़कों की ये लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई आकर उनको एडवाइस दे, और वो भी एक लड़का आकर एडवाइस दे। तो भैया एडवाइस मत देना, एडवाइस जितना ले सकते हो उतना ज़्यादा ले लेना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है टीवी में क्या देखना पसंद है, कौन सा सीरियल, कौन सा शो या कोई सा न्यूज़ चैनल या जो भी, तो एंटरटेनमेंट चैनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो भाई सबको कोई ना कोई टीवी चैनल ज़रूर पसंद होगा, उसको भी कोई ना कोई टीवी शो या कुछ भी ज़रूर पसंद होगा। तो आप जब उससे पूछेंगे कि तुम क्या देखती हो टीवी में, तुमने ये देखा कि नहीं, वो देखा कि नहीं, तो भाई वो ज़रूर बताएगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के तौर पर बताएगी। तो आप हो सकता है उससे थोड़ा कहानी पूछ सकते हो कि क्या क्या चल रहा है उसमें, मुझे भी देखना चाहिए शायद, तो आप उसमें बताओ कि क्या क्या चल रहा है, ताकि जब मैं आज देखूँ तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आए उस शो में। तो इस तरीके से आप आगे बात
तो भाइयों ये थे कुछ टॉपिक जिनके थ्रू आप लड़कियों से बात कर सकते हो, और ना सिर्फ बात कर सकते हो बल्कि बहुत ही इंटरेस्ट के तौर पे बात कर सकते हो और घंटों भर तक बात कर सकते हो। तो इन टॉपिक को चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू बात करो, चाहे रियल लाइफ में बात करो, लेकिन कोशिश आप यही करना कि रियल लाइफ में बात करो, तो जब आप बात करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से वो बात करेगी। तो अब आपको यही करना है, जाकर उसे इन टॉपिक से बात करना है और जिनमें भी वो कंफर्टेबल लगी उसमें उस टॉपिक में ज़्यादा डीप में घुस जाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प ज़रूर मिली होगी, और आप जब इन टॉपिक्स को बात करेंगे तो आप खुद देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या फिर जब आप अप्लाई करें इसको रियल लाइफ में और कुछ प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।